वेदिका हत्याकांड के आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा का धन्वंतरी नगर स्थित घर टूटना तय हो गया है। दरअसल प्रियांश विश्वकर्मा के परिवार ने नगर निगम के नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि वेदिका की हत्या के आरोपी प्रियांश के घर के दस्तावेज खंगाले जाने के बाद उसका घर अवैध पाया गया था और अब हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किए जाने के बाद नगर निगम अपनी आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में है। जो पिटीशन लगाई थी लीलाधर मंडलोई ने, लीलाधर विश्वकर्मा ने, वो पिटीशन को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है इस मुद्दे पर उनका कोई पक्ष नहीं है। तो कुल मिला के वो गए थे बचाने के लिए और निर्णय ये हुआ है कि कुछ भी कोर्ट में नहीं, कार्रवाई नगर निगम जो करता है वो कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल इंडिया।